गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। सो गाइज़ आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, मैक्सिमम वन वीक के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, बट अब मैं डेली वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी। सो गाइज़ आज जो मेरा वीडियो है, आज जो मेरे वीडियो के ऊपर टॉपिक है वो बर्फ़ के रिलेटिव है कि हमें अपने फेस पे बर्फ़ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊँगी। सो गाइज़ आपको पता है गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मियों में हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा फेस काला पड़ जाता है, मेकअप लगा के जाते हैं तो मेकअप भी हमारा पिघल जाता है, पसीने से जब हमें पसीना आता है तो वो सारा मेकअप वो ख़राब हो जाता है और वो बहुत भद्दा सा लगता है, बहुत गंदा सा लगता है हमारा फेस। और गाइज़ आपको पता है कि हमारे फेस पे अगर हमें अच्छी सी नींद ना आए या कोई भी हमें प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, रिंकल्स, पिंपल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है हमारे फेस पे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी भाई कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आप अपने फेस पे हमेशा बर्फ़ लगाएं, जब भी आप अपने मेकअप करते हैं या कोई भी क्रीम लगाते हैं तो उससे पहले आप अपना बर्फ़ से अपने फेस पे मसाज करें अच्छे से। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी मेकअप कर रहे हो या जो भी क्रीम लगा रहे हो वो आपके फेस पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह कि अगर आप इसको डेली यूज़ करते हो तो जो भी आपके झुर्रियाँ हैं या डार्क सर्कल है वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। बट ये कि अगर आप इसको एक दो बार लगाने के बाद आप सोचोगे कि ये एकदम सिर्फ हमें बेनिफिट दे दी, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको डेली अप्लाई करने पड़ेगा। और मैक्सिमम आप इसको एक दो महीने अप्लाई करो, उसके बाद आपको खुद ब खुद ही आपको बेनिफिट आपको मिलना इसका शुरू हो जाएगा। और गाइस इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, मैं खुद इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। आप चाहो तो इसको सुबह भी अप्लाई कर सकते हो, दिन में भी या नाइट में भी, आप जब चाहो उसको अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस आपको इस सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा लेना है, वो इस तरीके का कॉटन का कपड़ा लेना है आपको, और एक आपको आइस क्यूब लेनी है, इस तरीके से एक आइस क्यूब लेनी है। तो आइस क्यूब एक कॉटन के कपड़े में लगा के इस तरह से गाइज आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बर्फ़ के टुकड़े को आप चाहो तो इसे सीधा भी अप्लाई कर सकते हो, बट इससे ये होगा कि ऐसे तो ये वैसे भी फ़ायदा देता ही है, बट हमारे फेस पे ना ये थोड़ा लाल पड़ जाता है, इसको सीधे लगाने से थोड़ा लाल पड़ जाता है हमारा फेस। तो अगर आप कभी भी अगर अपने फेस पे आप अप्लाई कर रहे हो बर्फ़ तो हमेशा ऐसे कॉटन के कपड़े में लेके ही अप्लाई करें और इस तरह से पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद आपको अपने फेस पे ऊपर की तरफ मसाज करनी है, नीचे की तरफ मसाज ना करें, हमेशा ऊपर की तरफ ही मसाज करें। मैंने आपको पहले भी मैंने जो भी वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने यही बोला है कि आप हमेशा मसाज जो भी आप फेस वॉश कर रहे हो या क्रीम लगा रहे हो वो ऊपर की तरफ ही लगाएं, नीचे की तरफ ना लगाएं, ऊपर की तरफ ही लगाएं। तो आज मैं आपको इसको बताऊंगी कि आपको सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से रख लें और इस तरह से आपको लगाना है, ऊपर की तरफ लगाएं, हमेशा ऐसे नीचे की तरफ ना लगाएं, हमेशा ऊपर की तरफ ही लगाएं, इस तरीके से लगाने से बहुत अच्छा लगेगा और आपके फेस बहुत ठंडक मिलती है, गर्मियों के सीज़न में बहुत रिलैक्स फील मिलता है, सूजन हो आपकी आंखों के नीचे बॉक्स को भी कम करता है हमेशा। और यहाँ पे भी आपको इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ ही लगाना है, इस तरीके से लगाएं। और जो आपके डार्क सर्कल है उसके पास आपको इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से मसाज करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आएगा और जो भी आपकी स्किन काली पड़ गई है उसको भी अच्छे से ठीक कर देगा इस तरीके से। और जो आपके यहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं या झुर्रियाँ होती हैं उसको भी ये थोड़ा कम कर देता है, और क्योंकि हमें क्या होता है कि टाइम से पहले ही हमारे फेस पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है तो उसको ये कम करता है। तो आपको पहले आपको अपनी आँखों को इस तरह से राउंड करके मसाज करें, आँखों में बहुत अच्छा ठंडक मिलती है इससे। अब दूसरी साइड भी इस तरह से अप्लाई करें, इस तरीके से अप्लाई करते रहें, इस तरीके से आपको डेली करना है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के करें, और जब भी आपको टाइम लगे सुबह शाम रात जब भी आपको टाइम लगे आप इसको मसाज करें अपने फेस पे,
इस तरीके से, इस तरीके से मसाज करने के बाद जो भी आपके फेस पे पानी होगा बर्फ़ का, उसको सूखने दे अच्छे से। उसके बाद आप अपने फेस पे कोई भी क्रीम या कोई भी आप सन क्रीम लगाते हो या नाइट में अपनी नाइट क्रीम लगाते हो, जो भी लगाते हो वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी। और अगर आप मेकअप करते हो तो वो भी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा आपके फेस पे। और गाइज, बर्फ़ लगाने से पहले हमेशा अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें, फेस वॉश करें, उसके बाद अच्छे टॉवल के साथ उसको साफ़ करें, उसके बाद ही आप अपने फेस पे बर्फ़ अप्लाई करें, उसके बाद अपना मेकअप लगाएं आप। तो मेकअप कभी भी आप, अगर आप आइस क्यूब अपने फेस पे लगाओगे उसके बाद अगर अपने फेस पे आप क्रीम या मेकअप करोगे कुछ भी, तो वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। और कहीं बाहर जाने, जब आप बाहर जाते हो तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा आपके फेस पे। और जो हमें जो बर्फ़ लगाते हैं अपने फेस पे, तो हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही रहता है, क्योंकि ऐसे कभी कभार क्या होता है हमारी स्किन डल पड़ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे फेस पे ना ब्लड सर्कुलेशन जो वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन बर्फ़ लगाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे फेस पे चलता है वो सही चलता है, बिल्कुल अच्छे से चलता है, मतलब इससे एक अच्छा सा ग्लो आता है हमारे फेस पे। तो मैं आपको यही बताऊँगी कि आप जब भी मेकअप करो या कहीं जा रहे हो या कुछ भी समथिंग, या पिंपल्स रिंकल्स कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप सबसे पहले बर्फ अपने फेस पे अप्लाई करें। सो गाइज, आज की मेरी वीडियो ये यहीं तक थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको भी बर्फ के क्या फ़ायदे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।